संस्कार फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह एवं एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। सरियान मंडल क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र कोयरीडीह राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में संस्कार फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह सह निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सभी सम्मानित आगंतुक चिकित्सक को पुष्प भेंट कर साल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोयरीडीह पंचायत के मुखिया श्रीमती बुधनी देवी और संचालन समाजसेवी जयप्रकाश वर्मा कर रहे थे। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पांकी विधानसभा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता उपस्थित रहे। विशेष अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सह प्रमुख सरिया रामपति प्रसाद, दीप सदस्य अर्जुन प्रसाद आर्य, सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो, पंसन मोकामो उर्मिला वर्मा, शिक्षाविद मुन्ना संतोष कांत, आयकर निरीक्षक रोहित कुमार उपस्थित थे। मंचा सिंह वक्ता सेल टैक्स ऑफिसर सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि अपने घर के उपजाऊ अनाज बेच देते हैं और बाजार से खरीद कर पॉलिश किया हुआ अनाज उपयोग करते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। लोगों को प्रेरित होने की जरूरत है। मरुआ गोंदरी का ढेकी से कूटकर और कूटा हुआ चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस शिविर में कई गणमान्य चिकित्सक उपस्थित रहे और तकरीबन सैकड़ों मरीज का इलाज और परामर्श दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्कार फाउंडेशन के सचिव अमित कुमार वर्मा, रीतलाल वर्मा, रमेश पांडे, पवन पांडे, रंजीत वर्मा, राजू वर्मा, अनिल शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रवि सिंह की खास रिपोर्ट। आज संस्कार फाउंडेशन के बैनर तले निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सुदूरवर्ती इलाके में आम लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिले। इसके लिए हमने एक ऐसा छोटा सा प्रयास किया कि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होता है, चाहे हड्डी की समस्या हो, चाहे बीपी की समस्या हो, या नेत्र से जुड़ा हुआ समस्या हो, या आँख से जुड़ा हुआ समस्या हो, दांत से जुड़ा हुआ समस्या हो, सभी तरह के समस्याओं के समुचित इलाज हो, और इसके लिए मैं सभी डॉक्टरों से संपर्क किया और आज एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया और आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।